हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएससी जी के ज्ञान में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नोबल प्राइज़ 2020 केमिस्ट्री के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो अग्रगामी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। इस वीडियो में नोबल प्राइज़ 2020 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी देखेंगे, इसके साथ साथ नोबल पुरस्कार 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है इसको भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि नोबल प्राइज़ 2020 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो नोबल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इमैनुअल सरपेंची जोनिफर डाउडना को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान में नोबल प्राइज़ प्रदान किया जाता है, उसके साथ साथ उन्हें एक करोड़ स्वीडिश क्रोना एवं स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है, जबकि इंडिया रुपया में ये 8.2 करोड़ रुपया होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए नोबल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नोबल पुरस्कार 2019 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को दिया गया था। तो 2019 में यह पुरस्कार जान बी गुड इनफ, एम स्टैनली विटिंगटन, अकीरा योशिनो को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबल पुरस्कार 2019 में यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए नोबल पुरस्कार 2019 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया था। तो नोबल पुरस्कार सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को दिया गया था। तो जैकोब हरिक्सवांट हाफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार नोबल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप याद रखिएगा, इनसे एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो नोबल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबल पुरस्कार 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो नोबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए यह नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान का पुरस्कार किसे दिया गया है। नोबल पुरस्कार 2020 रसायन विज्ञान का पुरस्कार कहाँ दिया गया है। इसका राइट आंसर ए होगा, स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया गया है। तो नोबल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इन 6 क्षेत्रों को भी देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्र है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को समाज सेवा संबंधी कार्य के लिए दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 होगा दोस्तों, यहाँ पर 1910 ना हो कि 1913 होगा, 1913 में प्रदान किया गया था। भौतिक के क्षेत्र में रसायन विज्ञान 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था, जबकि रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया था, और अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किया गया था। तो दोस्तों, इन सब प्रश्नों को आप याद रखिएगा, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।